नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। धर्म नगरी हरिद्वार को उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी माना जाता है। उत्तराखंड के प्रवेश का द्वार हरिद्वार ही है और यहीं से चारों धाम की यात्रा भी शुरू होती है। धर्म नगरी हरिद्वार में रेल और बसों के माध्यम से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके साथ ही काफी संख्या में यात्री चार धाम की यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं, मगर हरिद्वार में कोई एयरपोर्ट न होने की वजह से कई यात्रियों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं देश विदेश आने वाले यात्री श्रद्धालु भी सीधा उत्तराखंड नहीं पहुंच पाते। इस दिशा में कार्य करते हुए अब उत्तराखंड सरकार जल्द ही हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर आज हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज द्वारा एक कमेटी का गठन कर दिया गया, जिससे हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की आस स्थानीय लोगों में जगी है। और हरिद्वार के लिए एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में चर्चा हमारी थी, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है और कमेटी जो है उसकी पॉसिबिलिटीज़ को और ज़मीन की जो उसके अंदर 5 किलोमीटर लंबी और 0.5 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रिप के लिए जो है उसके लिए ज़मीन की खोज कर रहे हैं। और इससे जो है सीधे वैंकूवर से, लॉस एंजलस से, न्यूयॉर्क से, लंदन से सीधे यात्री उड़ कर के और यहाँ पहुँच पाएंगे और इससे बहुत ज़्यादा हमारे 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड को बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ रोज़गार बढ़ेंगे और काफी यहाँ एयर ट्रैफिक बढ़ेगा, लोग यहाँ पर चार धाम की यात्रा कर सकते हैं। उत्तराखंड में लगातार घट रहे कोविड-19 के कहर के बाद ऋषिकेश से एक बड़ी राहत की खबर आई है। बता दें कि ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर स्थित शमशान घाट पर 28 मई से 31 मई तक कोई भी कोविड-19 से संक्रमित शव अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंचा है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाकई में कोविड-19 का कहर अब कम होने लगा है। बता दें कि चंद्रेश्वर नगर स्थित शमशान घाट पर एम्स, राजकीय चिकित्सालय और जॉली ग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल से भी कोरोना संक्रमित मरीजों के शव दाह संस्कार के लिए ऋषिकेश लाए जाते हैं। कुछ दिन पहले तक शमशान घाट पर हर दिन 10 से 12 संक्रमित शव दाह संस्कार के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन शमशान घाट पर जगह कम होने की वजह से मृतकों के परिजनों को शवों के दाह संस्कार के लिए एक दिन का इंतजार करना पड़ता था। सामान्य जो शव है वो तो आ रहे हैं मुक्तिधाम शमशान घाट ऋषिकेश में, लेकिन पिछले 2 दिन से कोरोना से संक्रमित शव जो एम्स से, HIST से और अन्य स्थानों से हमारे यहाँ आ रहे थे, जो एक बार में तो संख्या 12 से 15 तक पहुँच गई थी। उस समय बड़ी भयानक स्थिति हो गई थी ऋषिकेश में, बहुत ज़्यादा मतलब लोग सोचने लगे थे। उस स्थिति को देखते हुए अब वर्तमान में 2 दिन से और आज अभी तक इस समय तक एक भी शव रिपोर्टेड नहीं है हमारे पास। धर्म नगरी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना लगातार जारी है। आज मध्य हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम के सामने कश्यप विला में 2 मीटर लंबा सांप निकलने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। सूचना पाते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और सांप का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित पकड़ लिया। यहाँ पर प्रेम नगर आश्रम से आज एक कॉल आई है रेस्क्यू के लिए। कॉल तो काफ़ी आई 5-6, लेकिन अभी लगभग 7:30 बजे के लगभग एक कॉल आई। यहाँ पर हम पहुँचे तो देखा तो रेड स्नेक सांप है और इसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाके वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। तेज आंधी और तूफान की वजह से भूपतवाला स्थित बेस अस्पताल में कई जगह से सीलिंग गिरने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने पहुंचकर अधिकारियों को फोन कर क्षतिग्रस्त हुए अस्पताल की जानकारी ली और साथ ही सतपाल ब्रह्मचारी ने अस्पताल में कार्य कर रहे सभी स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों से उनका हालचाल जाना। बहादुराबाद गंग नहर में डूबे युवक की तलाश के लिए जल पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बता दें जल पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में बहादुराबाद बाजार चौकी इंचार्ज चंद्रमोहन भी बोट पर सवार होकर गंग नहर में उतरे। फिलहाल युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी जल पुलिस टीम को अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है, लेकिन आधुनिक उपकरणों के साथ हरिद्वार जल पुलिस गंग नहर में उतरी हुई है। जैसे हमें सूचना मिली थी कल, तो कल हम मौके पर आए थे, लेकिन अत्यधिक समय होने के कारण फिर बोट आज लेके आने पड़ी। जितने हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, उक्त संसाधनों द्वारा हरिद्वार पुलिस की जो टीम है, हमने मिलके काफ़ी देर तक रेस्क्यू का जो अभियान था उसे चलाया और अभी तो फिलहाल कामयाबी हाथ नहीं लगी, बट कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, बॉडी मिल जाए तो समय से उसके परिवारजनों को सुपुर्द कर दिया जाए। बाद देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी हमारे पर्याप्त से उपलब्ध संसाधनों के द्वारा भरसक प्रयास हो चुका है।
रुड़के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस को चोरी की 8 बाइक भी बरामद हुई है। यह गिरोह देहरादून, नजीबाबाद, हरिद्वार और रुड़की में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस को इनके पास से चोरी के 5 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। सिविल लाइन कोतवाली पहुंचे जिले के SSP ने बताया कि बीती 5 मई की रात को रुड़की के पठानपुरा से चोरी की गई एक स्प्लेंडर बाइक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो पिछले लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते चले आ रहे हैं। वहीं पकड़ा गया आरोपी नौशाद नजीबाबाद पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर भी है, जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चोरी और गैंगस्टर जैसे 40 केस दर्ज हैं। रुड़की सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था, उसका रोकथाम हेतु हमने जो है टीम गठित की। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है, इसमें एक कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना श्यामपुर का है और एक देहरादून और एक नजीबाबाद का है। बाकी 3 वाहन को चिन्हीकरण की कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है, हमने क्राइम ब्रांच नोट में जो उसका डिटेल दिया है। इनका विरुद्ध जो है गैंगस्टर का कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस टीम को जो है 2500 रुपए के इनाम घोषित। प्रदेश भर में ब्लैक फंगस के मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था न होने से कुछ चुनिंदा अस्पतालों पर मरीजों का बोझ पड़ गया है। घनी आबादी वाले हरिद्वार जिले में भी रोज ब्लैक फंगस के संदिग्ध मरीज सामने आ रहे हैं। इसीलिए इलाज की व्यवस्था न होने की वजह से इन मरीजों को ब्लैक फंगस के इलाज के लिए चिन्हित अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। जिलाधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि मौजूदा कोविड अस्पतालों में उपचारत मरीजों में ब्लैक फंगस ना फैले, इसका ध्यान रखा जा रहा है और कोरोना पेशेंट को जागरूक भी किया जा रहा है। हालांकि ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर फिलहाल रेफर करना मजबूरी है। फिलहाल जो डिसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स है उत्तराखंड गवर्नमेंट के ओर से कुछ हॉस्पिटल्स को डिसिग्नेट किया है कि जो है ब्लैक फंगस ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जो है रेफरल किया जाता है। यहाँ जितना भी केसेस आया है तुरंत जैसे एम्स है वहाँ पर हमने रेफरल किया है। बाकी जो है इस पर फिलहाल यही है कि हम लोग एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल्स है जहाँ पे ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं उसमें जो स्टीरॉइड्स यूसेज को लेकर के है या ऑक्सीजन में जो है जितने भी ऑक्सीजन सपोर्ट में रहते हैं उसमें जो है जो पानी जो प्रयोग होता है इसी प्रकार का जो है मल्टीपल जो ब्लैक फंगस का जो कॉसेस है उस पर जो है अभी हम फोकस कर रहे हैं ताकि जो है इस प्रकार का केसेस ना आए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बाकी जो केसेस आ रहे हैं उनके लिए जो है डेसिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में रेफर कर रहे हैं। हरिद्वार देहरादून राजमार्ग पर नेपाली तिराहे के पास बनाए जा रहे टोल प्लाजा के विरुद्ध में सर्वदलीय संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं टोल प्लाजा बनाए जाने को गलत बताते हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी धरना स्थल पर पहुंचे और अपना समर्थन दिया। प्रीतम सिंह ने कहा कि इस कोरोना काल में जहां लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है, लोग इस महामारी के दौर में बेरोजगार हो चुके हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार द्वारा टोल प्लाजा नहीं वसूली केंद्र बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।